स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उन पर बच्चों का है आरोप, और माध्यमिक में दो वर्ग है तो दो ही शिक्षक भी हैं, बच्चों का ये भी आरोप है जो सारे हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है। प्रधानाध्यापक को ये निर्देश दिया है कि जो हमारे अभी जो नियोजन हुआ है 2022 में जी हेड मास्टर के ऊपर जो बहुत सारा कम्प्लेन था, कम्प्लेन एकदम दुरुस्त था और सच्चाई है। और वो सर आज जो विद्यालय का आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्या सब कमी मिला आपको? कमी मिला, विद्यालय में भवन का अभाव है और विद्यालय में चहारदीवारी नहीं है जी, तो और ये विद्यालय दसवीं कक्षा तक चल रहा है, प्लस टू का भी मिल गया ना, प्लस टू का भी उनको अप्रूवल मिल गया है, लेकिन प्लस टू के विद्यार्थियों को काफी कठिनाइयां होती है। हाँ, उनके रहने के पढ़ने के लिए क्लासरूम नहीं है, बेंच डेस्क नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है, बच्चे परेशान रहते हैं, और युवा युवतियां जो आते हैं यहाँ पढ़ने विद्यार्थी, उन सभी को काफी दिक्कतें होती है, उनके लिए क्या करेंगे आप? हम किए भी हैं और करेंगे भी, विभाग को जितना भी हमारा हाई स्कूल उत्क्रमित है और प्लस टू को जिसको मिला है मान्यता, उस सारा का सूची विद्यालय के नाम कोड सहित विभाग जा चुका है, उसके लिए विभाग भवन आवंटन फर्नीचर ये सारा का व्यवस्था में लगा हुआ है, वहाँ पर जो ही स्टेट से मुहैया हो जाएगा विद्यालय को राशि आ जाएगी और वहाँ पर काम प्रारंभ हो जाएगा। तत्काल हम लोग यहाँ सभी हमारे जिला परिषद मुखिया जी, जनप्रतिनिधि और शिक्षा प्रेमी लोग जुटे हुए हैं, उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं हम, और वो लोग भी सहयोग दे रहे हैं जो तत्काल जो भवन की स्थिति है उसमें ये लोग अपने तरह से भी कुछ सहयोग दे करके तत्काल जो है सो वर्ग कक्ष जो निर्माणाधीन भवन है उसको प्रारंभ करने का जो करें, जो कुछ जब तक सरकार की तरफ से नहीं भवन का की राशि आती है तब तक वर्ग कक्ष को कंप्लीट किया जाए ताकि पठन पाठन चालू हो सके। सर बच्चों का जो है टीचर्स पे काफी सारा कंप्लेन है, टीचर्स बच्चों पर बिल्कुल केयर नहीं करते। आज आप लोग आए हैं और जिस तरह से आपने बातें की हैं शिक्षकों से, क्या समझ में आया? कौन कौन से शिक्षक प्रधान अध्यापक पे ज्यादातर आरोप लगता रहता है? प्रधान अध्यापक पर आरोप है, माध्यमिक स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं उन पर बच्चों का है आरोप, और माध्यमिक में दो वर्ग है तो दो ही शिक्षक भी हैं, इसलिए बच्चों का ये भी आरोप है जो सारे हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है। तो हमने प्रधानाध्यापक को ये निर्देश दिया है कि जो हमारे अभी जो नियोजन हुआ है 2022 में उसमें 6-8 में जो हमारे क्वालिफाइड बोनाफाइड टीचर सब आए हैं, उन लोगों को भी हाई स्कूल के कक्ष में विषय वाइज जिस विषय के आए हैं उनको भेज करके और सिलेबस को पूरा करावे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर क्षेत्र के शिक्षक शिक्षा प्रेमी और यहाँ के प्रतिनिधि लोग हैं, इन लोग से जानना चाहेंगे कि ये लोग आज के स्थिति पर क्या कहना चाहते हैं। गर्री पंचायत बंधौली हाई स्कूल में जो कल घटना घटी, हमारे बच्चे को पढ़ाई का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं था, भवन नहीं था, जिसके वजह से हमारे बच्चे कंप्लेन किए और हम लोग आए। आज बीओ साहब भी आए हैं जी, उनको उन्होंने जो आज बातें की हैं शिक्षकों से और बच्चों से, तो क्या लगता है यहाँ से अब सुधार होगा? हमको लगता है कि बीओ साहब, क्योंकि उनको एक कॉल किया और वो तुरंत आए और इस मसले को उन्होंने देखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने अभी वादा किया है और टीचर से वादा लिए हैं लिखित रूप में कि आज के बाद किसी तरह की कोई समस्या बच्चों को नहीं आएगी, कोई शिकायत नहीं मिलेगा, और भवन जो है हम तमाम लोगों के सहयोग से, क्योंकि सरकारी इस सिस्टम में आने में थोड़ा समय लगता है और अभी हम लोगों को जरूरी है, तो हम लोग भी ग्रामीण और जितने भी लोग हैं और बीओ साहब की मदद से इसमें कुछ काम कर देंगे, जिससे ये भवन इस पे छत नहीं है बिल्कुल और जर्जर स्थिति में, इसको आप लोग सुधार करेंगे अपने फंड से हम लोग कुछ देंगे जिससे इसका भवन का जो छत ढला जाए, जिससे इसमें पढ़ाई शुरू हो जाए। तो कहीं ना कहीं हेड मास्टर के ऊपर जो बहुत सारा कंप्लेन था, अधिकारी को मैंने उपयुक्त कराया है कि ये समस्या है और वाकई इन दोनों आदमी में कमी थी हेड मास्टर में, क्योंकि इनको ज्यादातर काम अपने घरेलू रहता है, तो मैंने कहा कि आप घरेलू ही काम कीजिए ज्यादा अच्छा है, पढ़ाई पर क्यों ध्यान देंगे, इसकी जगह हम लोग कोई शिक्षक बहाल करा लेंगे, ये कमी महसूस हुई हम लोग। तो अब क्या होगा, वो शिक्षक रहेंगे या फिर उनको? उन्होंने लिखित रूप में वादा किया है कि सुधार होगा, सुधार करेंगे, इसलिए उनको हम लोग 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, 2 महीने के अंदर अच्छा रिजल्ट दिखलाएंगे तो यहाँ रहेंगे, नहीं अगर दिखलाएंगे तो यहाँ
से इनका बढ़िया बिस्तर बांध करके भेज दिया जाए। चलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि हमारा सभी सही खबर सही समय पर आप तक पहुंच सके सबसे पहले। आपको रख सके हम सबसे अपडेट।